हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड का ग्रेड ए फेज टू एग्जामिनेशन जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसके जो जनरल स्ट्रीम का पेपर था उसको हम पूरा एनालाइज करेंगे। स्पेसिफिकली इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, सारे ही क्वेश्चंस जो वहां पे पूछे गए थे, 1 मार्क और 2 मार्क के सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव को भी डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। ये पेपर हमने विद द हेल्प ऑफ आवर स्टूडेंट्स बनाया है, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर स्टूडेंट्स कि उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की। और डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है ये नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा समझने में, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने में कि ये पेपर फेज टू का कैसे आता है। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ एंड लर्निंग फॉर द 2022। तो जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर द नबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन फॉर द 2022। तो बहुत जल्द हम इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से ज्वाइन कर लें और नया बैच हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस एंड ऑल। ओके, तो ये हमारा नाबार्ड की जो प्रिपरेशन है ये हम जनरल स्ट्रीम के लिए प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम, आईटी स्ट्रीम एंड फाइनेंस स्ट्रीम के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी में इसको अप्लाई करना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द 2 मार्क क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो 2 मार्क का क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, वहां पे एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसको पढ़ के उसके बेसिस पे आंसर करना होता है। तो जो पहला पैराग्राफ था इट इज बेस्ड ऑन द डायनामिक हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या डेटा है, क्या प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है, ये सब कुछ वहां पे दिया हुआ था। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विद द दिस पैरा इज द वेब इनेबल्ड वर्कफ्लो बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड फॉर द MIDH इज, ये यहां पे पूछा हुआ था। ऑप्शंस आपको दिए थे चमन, हॉर्टिकल्चर नेट, हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIDH पोर्टल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था ये था हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो हॉर्टिकल्चर स्टेट्स डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन है, इसने ये वेब इनेबल्ड एक वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम बनाया है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, HAPIS इसको इस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये क्या करता है, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रेलेवेंट एंड द लेटेस्ट डेटा ऑन द हॉर्टिकल्चर क्रॉप एट सब नेशनल लेवल प्रोवाइड करता है। बाकी आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, इसका PDF हम आपको अपने एग्रीबी के टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसको PDF वहां से ले सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन था जिसपे कई कंट्रोवर्सी या कह सकते हैं कि डाउट है स्टूडेंट्स को, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम वेजिटेबल प्रोडक्शन एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2020 एंड 21। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन बनाया है According to the second advance estimate of the 2020 and 21, तो कई जगह आप देखोगे कहीं पे West Bengal mention किया है, कहीं पे UP mention किया है, but according to the PIB estimate, जो PIB का estimate है और वो जुलाई 15 को आया था, उसके according UP first। अगर आप ये data देखोगे second advance estimate का, तो यहाँ पे यूपी है, ये वेस्ट बंगाल है। यूपी का जो प्रोडक्शन है वो 29191 है और जबकि वेस्ट बंगाल का 29095 है। तो यहाँ पे यूपी लीड कर रहा है। अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को देख सकते हैं, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्मिंग एनीथिंग क्योंकि डिपेंड करता है कि वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और कैसे वो पूछा गया था। तो बेसिकली जो अगर सिंपल अगर ये क्वेश्चन हम समझे तो इसके अकॉर्डिंग आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। Then next question है, what is the total horticulture production in India as per the second advance estimate of 2020 and 21? So it is the easy question. तो ये तो 329.86 million ton है और ये हमने कई बार discuss भी किया था आप लोगों के साथ। Basically ये वहीं से लिया गया है। Then दूसरा जो paragraph था, it is based on the food quality and safety. तो food quality and safety से related था और जो पहला question था वो organic farming से related पूछा गया था। तो question था, which of the following schemes promotes organic farming through the adoption of the organic village by the cluster approach? तो यहाँ पे बहुत clearly दिया है, पहले तो organic farming ही आपको एक बहुत बड़ा clue दिया है, फिर उसमें दिया है कि organic village by the cluster approach। तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना का पार्ट है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही है और वही क्लस्टर बेस पे काम करती है। तो ये PKVY का है, अगेन आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी था कि अमंग ऑल स्टेट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये दो चीजें होती हैं और दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा तो उसका कंफ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन में दूर हो गया होगा। जनरली हमें क्या कंफ्यूजन होता है कि एक कौन सा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर कौन सा जिसमें मैक्सिमम एरिया है। तो मैक्सिमम एरिया पूछा है मतलब टोटल एरिया में से स्टेट का जो टोटल एरिया है अगर हम वो देखें कि पूरा एरिया एरिया वाइज कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एरिया किस स्टेट में, तो वो दैट इज द मध्य प्रदेश।
देन ये एपिडा की साइड से ही हम लोगों ने लिया हुआ है. अमंग ऑल द स्टेट्स मध्य प्रदेश हैज कवर्ड द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉलोड बाय द राजस्थान महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. और देखिए नेक्स्ट लाइन में ही लिखा है कि सिक्किम हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल डिस्टिंक्शन ऑफ कवरिंग इट्स एंटायर कल्टिवेबल लैंड, मतलब कंप्लीट एरिया अंडर एग्रीकल्चर इज अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पहले देख ले, सेवन क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, तो ये सिक्किम है. तो ये यहीं से पूछा गया था और ये एपिडा का डेटा है. सिक्स्थ क्वेश्चन था, एज पर द एपिडा विच कॉमोडिटी इज द सिंगल लार्जेस्ट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैटेगरी. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैटेगरी में सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, दैट इज द ऑयल सीड. एपिडा की साइड पे ये बहुत अच्छे से मेंशन किया, प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑयल सीड्स इन टर्म ऑफ कॉमोडिटीज, ऑयल सीड्स आर द सिंगल लार्जेस्ट कैटेगरी फॉलोड बाय द शुगर क्रॉप, सीरियल, मिलेट्स, टी एंड ऑल. ओके, सो ये हमने डिस्कस कर ही लिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था पैराग्राफ ऑन एजुकेशन सेक्टर. तो ये ईएसआई बेस्ड था. द फाउंडेशन पिलर ऑफ द पॉलिसी अलाइंड विद द एजेंडा फॉर 2030 इज फॉर. तो बेसिकली एसडीजीज पे ही काम चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अगर आप यूएन का देखेंगे तो 2030 तक वो करना है. तो ये एसडीजीज पे था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट हुआ होगा आई होप स्टूडेंट्स को. तो यहाँ पे जो सही आंसर था वो लीडरशिप था. बाकी जो ऑप्शन है वो एक फाउंडेशन, या आप कह सकते हैं कि जो की पैरामीटर्स है एनईपी के वो है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिपोर्ट. तो जो वहां पे रिपोर्ट दी गई थी उसके रिगार्डिंग पूछा हुआ था, तो ये सारी ही चीजें उसमें सही थी. Which of the following is a true for the referred scheme? यहाँ पे पूछा था कि कौन से सही है, तो सेकंड ऑप्शन बी एंड सी वाज करेक्ट अकॉर्डिंग द रिपोर्ट गिवन. अगर आपको इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी लगती है या फिर कुछ भी लगती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ में चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं. वी आर हेयर टू हेल्प यू. अगेन क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराग्राफ ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैराग्राफ है वो किस किस एक्ट के बारे में बात कर रहा है. तो इट वॉज अबाउट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. देन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट वॉज रिसेंटली अमेंडेड इन सेप्टेम्बर 2020. तो उसमें ऑप्शन था करेक्ट इज सेक्शन 45. देन अगेन सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑल आर करेक्ट इन दैट ऑप्शन ऑल्सो. देन पैराग्राफ ऑन द सॉइल हेल्थ, तो एआरडी से अगेन ये आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 2 मार्कर क्वेश्चन आर फ्रॉम द एआरडी सेक्शन. तो जो 15th क्वेश्चन था स्वस्थ धरा खेत हरा इज द टैग लाइन ऑफ विच स्कीम्स. अगेन दिस वन इज द वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज हम जब भी रिवीजन वाली जो हमने वीडियोस में भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था कि जो टैगलाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा मिनिस्ट्री. तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की टैगलाइन थी स्वस्थ धरा खेत हरा. तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि 6 पॉइंट में आपको कैसे याद करना है. तो यहाँ पे हम लोग टैगलाइंस हर स्कीम की मेंशन करते हैं जहां पे भी दी रहती है. देन 16 क्वेश्चन था बाय वे ऑफ पायलटिंग क्लाइमेट चेंज. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें भी क्लियरिटी नहीं है कि ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग पूछा गया था कि इरिगेशन फैसिलिटीज के रिगार्डिंग पूछा गया था. क्योंकि नमसा के अंदर आप देखोगे तो नमसा के अंदर दोनों कंपोनेंट है, सीसीए एएमआईएन और रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है. तो ये बहुत क्लैरिटी नहीं है इसमें अभी भी कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूछा गया था कि इरिगेशन से रिलेटेड पूछा गया था. अगर क्लाइमेट चेंज से पूछा गया था तो ये, अगर रेनफेड से पूछा जाएगा या इरिगेशन फैसिलिटीज रिगार्डिंग पूछा गया था तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका होगा. आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं एग्जैक्ट इसमें क्या हो सकता है. बेसिकली वो पैराग्राफ यहां से था, अगर आपको आप कोरिलेट कर पाए तो आप इसको देख सकते हैं. जो ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से कोरिलेट कर रहा था. देन 17th क्वेश्चन था स्कीम फॉर द एक्सपेंडिंग एरिया अंडर द इरिगेशन विद द अडॉप्शन ऑफ द प्रिसीजन इरिगेशन एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी पीडीएमसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप. तो आई थिंक ये तो सभी ने इजीली कर लिया होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. अगेन ये जो टैगलाइंस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम मेंशन इन द पैसेज. ये पैसेज था हेल्थ स्कीम्स पे. तो हेल्थ स्कीम्स पे कौन सा कवर नहीं है, तो ये सारे ही कवर्ड है बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेसिस पे ये रहता है. तो ये सारे ही इसमें कवर्ड है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कीम. तो ये भी सारे ही इसमें कवर्ड है. देन हम आते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन पे. तो 1 मार्कर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज अंडर द श्री पीयूष गोयल जी. तो पीयूष गोयल जी के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे अभी उनके अंदर कॉमर्स मिनिस्ट्री भी है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है. दोनों ही मिनिस्ट्री इनके अंदर है अभी. देन सेकेंड क्वेश्चन था इसमें 1 मार्कर में वट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन अमाउंट टू बी सैंक्शन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. सो इट इज द 10 लाख.
The primary responsibility of PO is to ensure that anyone who applies for the work gets employment within the 15 days. तो ये इसका, ऑल्दो ये हमने यहीं पे मेंशन कर दिया, तो ये इसमें पूछा गया था कितने दिन में मिल सकता, तो करेक्ट आंसर इज 15 डेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट टू फोरकास्ट टू रीच US$11.6 बिलियन बाय, तो इसका जो IBEF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है इट इज 2026. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो अभी 10+2 सिस्टम है उसको किससे रिप्लेस किया जाना है, ये फेज वन में भी पूछा गया था. इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कमिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो. तो ये जो सिस्टम रहेगा वो 5+3+3+4 रहेगा, ये नया सिस्टम बनेगा. देन प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री, यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट है कि प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरियाज डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन सिचुएटेड इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया इज कॉल्ड एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री. एग्रो फॉरेस्ट्री हम तब कहते हैं जब हम फॉरेस्ट क्रॉप्स को एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ ग्रो कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन अगेन आप देखिए वहां पे कि कैसे पूछा गया था, अगर वहां फॉरेस्ट प्लस एग्रीकल्चर क्रॉप्स पूछा गया था देन इट इज द एग्रो फॉरेस्ट्री. अदरवाइज अगर ये इस टाइप से पूछा गया था कि फॉरेस्ट्री उस एरिया में जहाँ पे ट्री ग्रोथ या फिर अदर वेजिटेशन एक कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया से दूर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली दैट इज द एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री. 27 क्वेश्चन इज, इन द प्रोसेस ऑफ द माइक्रो प्रोपेगेशन, ये माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर की प्रोसेस है जिसमें प्लांटलेट्स को ग्रो किया जाता है, फिर जब उसको मेन फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है प्लांटेशन के लिए तो उसको एक्लिमेटाइज किया जाता है बेसिकली जो बाहर की कंडीशन है, क्योंकि लैब कंडीशन बहुत ज्यादा ही वहां पे बहुत अच्छी लैब कंडीशन होती है या फिर आप कह सकते हैं सोफेस्टिकेटेड है, तो उसको फील्ड में लाने, क्योंकि फील्ड में तो हर टाइप की चीजें रहती हैं, तो उसको हार्डनिंग की जाती है. सो करेक्ट आंसर इज हार्डनिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अंडर वन नेशन वन रेशन स्कीम द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ ऐप, तो उसका क्या नाम ही पूछा गया था, तो वो मेरा राशन ऐप है. देन 29th क्वेश्चन है, टोटल बजटरी एलोकेशन फॉर द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 फॉर द पीरियड ऑफ 2021-2026 इज 1.41 लाख करोड़ रुपीज. तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए होंगे. नेम द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर साइंस डील्स विद द प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ सॉइल वाटर एंड द क्रॉप मैनेजमेंट इज एग्रोनॉमी. दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि ये जो हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि जैसे हॉर्टिकल्चर की वेरियस ब्रांचेस, एग्रीकल्चर की वेरियस ब्रांचेस से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे दिया है कि सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी इज द ओनली ऑप्शन. देन 15 मार्क क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था इट इज अबाउट द एमएसपी प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन इन मार्केट इन परफेक्शन, इसका रिव्यू आपको करना था. सो दिस इज द वेरी यू नो एंटिसिपेटेड क्वेश्चन फॉर द फेज टू ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों ने भी जो अपना बनाए हुए थे मॉक टेस्ट उसमें भी ये क्वेश्चन रखा था, और ये सबसे पहला क्वेश्चन था और इसका हमने आंसर भी सर्कुलेट किया हुआ था. आई थिंक अगर आप लोगों ने हमारा कंटेंट रेफर किया होगा तो आपको जरूर ये मिला होगा. ये हमने जब फ्री में भी सर्कुलेट किया था हमारे एग्री की टेलीग्राम चैनल में भी कि व्हाट इज एमएसपी एंड एजेंसी इन्वॉल्व्ड इन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन एंड हाउ एमएसपी हेल्प द फार्मर टू एंश्योर द रेमुनरेटिव रिटर्न्स फॉर देयर प्रोड्यूस. तो इसका आंसर, कंप्लीट आंसर आपको वहां पे भी मिल जाएगा, ये हमने पहले भी सर्कुलेट किया था. देन दूसरा WTO एग्रीमेंट पे क्वेश्चन था. तीसरा क्वेश्चन था जो क्रॉस ब्रीडिंग पे, ये क्वेश्चन था जो अनएक्सपेक्टेड था और ये कंपलसरी क्वेश्चन था, तो ये सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट्स के अंदर आता है एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्लांट्स, इट इज रिलेटेड टू एनिमल्स ओनली. प्लांट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है जो इंप्रूवमेंट के तरीके होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, वो मेथड्स अलग होती हैं, उसको जनरली हम क्रॉस ब्रीडिंग में नहीं काउंट करते हैं. अगर हम इंटर स्पेसिफिक या इंटरजेनरिक क्रॉस भी करते हैं तो उसको हम वाइड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्लांट में काउंट करते हैं, जबकि क्रॉस ब्रीडिंग का कंसेप्ट केवल एनिमल ब्रीडिंग में ही आता है. ऑल्दो ये हमारे कंटेंट में मेंशन था, बट अगेन ये इस लेवल तक पढ़ना इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड. तो ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था. आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, आपने कैसे अटेम्प्ट किया ये हमें जरूर बताएं. तो ये हमारे जो हमने कंटेंट दिया उसमें बेसिकली हमने मेंशन किया था कि एनिमल हस्बेंड्री की मेथड्स कौन सी होती है बेसिकली फॉर द इम्प्रूवमेंट. ये एनिमल इंप्रूवमेंट में आता है, सिमिलरली क्रॉप इंप्रूवमेंट आता है, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट में ये कंसेप्ट नहीं है. तो ये क्रॉस ब्रीडिंग हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया था, बट कि ये 15 मार्क क्वेश्चन में आएगा एंड वो भी जनरल स्टूडेंट्स के लिए, दिस इज सरप्राइज. 10 मार्क क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिस इज द अगेन कॉमन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ड्रिप इरिगेशन, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था. एंड हाउ इट चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, मेंशन इन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, ये भी हम लोगों ने पहले ही किया हुआ था. एंड सिमिलरली फॉर द एग्रो फॉरेस्ट्री ऑल्सो, बट यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री पूछा गया था, उसके ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट. देन एग्रीकल्चर डेट फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैज बीन डिक्लाइन डिस्कस. तो अगेन इसके रेट्रोस्पेक्टिवली हम कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट हम लोगों ने इसको पूछा हुआ था कि कैसे इंडिया में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट
क्रेडिट एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन जिन जो उम्मीद की जाती है कि जो पूछे जाएंगे, और जनरली वही पूछे गए। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने अच्छे से लिखा है, वहां पे कितने अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है, तो इस पर डिपेंड करता है। और आप अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर बताएं, अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी वो हेल्प करेगा, और जो इस स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प होगी। देन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ऐसे राइटिंग था 300 वर्ड्स का 40 मार्क्स का, उसमें ये टॉपिक्स थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक भी था, बाकी नॉर्मल टॉपिक्स भी यहाँ पे थे। लेटर राइटिंग थी, उसमें वर्ड लिमिट मेंशन नहीं की गई थी, और उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही लेटर पूछे गए थे। पैसी राइटिंग वहां पे थी, 120 वर्ड्स में करना था, आरसी वहां पे नहीं आया था। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, तो अगेन जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि कट ऑफ, क्योंकि केवल ये 30 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये नहीं डिसाइड करेंगे, ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी डिसाइड करेगा। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट को आपने कितने अच्छे से किया है, कैसे आपने प्रेजेंट किया है, कितनी कम आपने मिस्टेक्स की है, उस पे निर्भर करेगा। क्योंकि ये प्योरली ऑब्जेक्टिव होता तो हम कह सकते थे कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं उस पर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा। और मेरा मानना ये है कि जब भी आपका एग्जाम होता है उसके बाद रिजल्ट आने तक आप रादर देन की कट ऑफ के पीछे भागते रहे, आप कुछ और कर सकते हैं, कुछ और चीजें देख सकते हैं, अपने आंसर्स को इस टाइप से कोरिलेट कर सकते हैं कि आपकी कमी कहाँ पे रही, आपने पढ़ने में कहाँ पे कमी करी, या फिर कहाँ पे आपसे गलती हुई, या कहाँ पे मिस्टेक हुई, रादर देन की कट ऑफ को एनालाइज करें कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स में होगा कि नहीं होगा। फिर आप वेरियस सोर्सेज देखेंगे, कहीं पे कुछ मेंशन होगा, कहीं पे कुछ मेंशन होगा, एंड इट विल डिटोरिएट योर मेंटल हेल्थ ओनली। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ में ना जाएं, क्योंकि आप लोगों ने फेज वन में भी देखा कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही एक डिफिकल्ट टाइप से पूछा गया था, उसके बाद भी सिलेक्शंस हुए हैं। और उन उसमें अगर आप देखोगे किसी स्टूडेंट ने 1 क्वेश्चन किया था उसका भी सिलेक्शन हुआ, किसी ने 4 क्वेश्चन किए थे उसका भी सिलेक्शन हुआ, किसी ने 8 क्वेश्चन किए थे उसका भी सिलेक्शन हुआ। सो कोई बड़ा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि नाबार्ड कट ऑफ को रिलीज ना करे। ओके, नाबार्ड जब कट ऑफ को रिलीज करेगा उसके बाद हम उसको जरूर एनालाइज करेंगे। ओके, सो कट ऑफ के पीछे आप ना रहें, और अपनी प्रिपरेशन आगे अब दूसरे एग्जाम्स के लिए, या फिर जो आपका अभी आने वाला इसका फेज है इंटरव्यू के लिए, उसके लिए प्रिपरेशन करें पॉजिटिव। ओके, देन लर्निंग फॉर द नबार्ड 2022, जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या था कि आपको एक तो ये पता चल गया कि एग्जाम का पैटर्न कैसा था, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाएं, क्योंकि अब ये पेपर ARD प्लस ESI बेस्ड हो चुका है, तो ARD ESI प्लस GA तीनों को फोकस करते हुए पढ़ें। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। प्रैक्टिस फॉर फेज टू भी साथ में करें, ये ना सोचे कि फेज वन जब क्लियर होगा तभी हम फेज टू करेंगे, साथ में ही आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन है वो फेज टू से ही होगा। प्रैक्टिस ARD और ESI आपको ज्यादा करनी है, ऑल्दो आपके पास 8 सब्जेक्ट है, ARD ESI को ज्यादा ध्यान दें। रेगुलर स्टडीज करें, ऐसा नहीं कि केवल जब नोटिफिकेशन आएगा हम तभी पढ़ेंगे, दैट इज नॉट द केस। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, ऐसा इस बार भी मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ देखा था। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर कमिंग इंटरव्यू सेशंस, जिनका भी सिलेक्शन होगा, एंड जो भी आप आगे प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अदर एग्जामिनेशन आल्सो, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच सून, सो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ 38% ऑफ, तो आप यहाँ पे हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप आज ही एनरोल करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे अहेड।